हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एल्बो लेंथ तक की स्लीव में आप पफ स्लीव करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे एक कस्टमर का ब्लाउज आया हुआ है तो मैंने सोचा ये स्लीव आप लोगों के साथ शेयर करूं। चैनल में मैंने पहले भी पफ स्लीव का वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो शॉर्ट स्लीव का है। अगर आप शॉर्ट स्लीव बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एल्बो लेंथ तक की पफ स्लीव बनानी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल स्लीव की मार्किंग करेंगे, जैसे हम एल्बो लेंथ तक की करते हैं। नीचे से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके ऊपर हाफ इंच का गैप देके दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली है। 10 इंच की स्लीव है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 10.5 में मार्किंग कर लेंगे और ऊपर भी हमें स्ट्रेट लाइन कर लेना है। आर्म होल डाउन करेंगे 4.25 इंच में, इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ से हम 3 इंच में मार्किंग कर लेंगे। नीचे पहले हम स्लीव की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। 11 इंच का स्लीव राउंड है, उसका हाफ करके 5.5 में मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ करके मार्किंग करनी है। 17 इंच का आर्म होल है तो मैं यहाँ पे 8.5 में मार्किंग कर लूँगी और आर्म होल के पॉइंट से नीचे स्लीव्स के पॉइंट को स्केल से मिला देना है। आगे हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं। अगर आपको 1 इंच का रखना है तो 1 इंच रखिए, नहीं तो 1.25 इंच भी रख सकते हैं। ऊपर से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। अब मैं एक बार ब्लाउज के पीस को आपको दिखाती हूँ। ये है ब्लाउज पीस, इसका जो बॉर्डर है हमें नीचे साइड में लगाना है। तो बॉर्डर के बाद जितनी हमारी लेंथ बचती है उसमें हमें पफ स्लीव बनाने हैं। तो यहाँ पे 5 इंच की बॉर्डर की लेंथ है, उसमें हाफ इंच हम ऊपर का ऐड कर लेंगे और मार्क कर लेंगे। अब इसमें से हम पहले बॉर्डर वाला अलग कर देते हैं, तो नीचे का ये बॉर्डर का अलग हो जाएगा और हाफ इंच जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा वो नीचे मैंने मार्क कर लिया है। अब ऊपर वाले पार्ट का भी हम मेजर कर लेंगे। 5 इंच की लेंथ बच गई है, इसे हम दूसरे कपड़े में कट करेंगे। नीचे वाले पार्ट में हम बॉर्डर को अटैच करेंगे, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अस्तर को फोल्ड करके रख लेंगे। अब हम स्लीव की लेंथ लगाएंगे। 5 इंच की स्लीव की लेंथ है, 2 इंच हम इसमें ऐड करेंगे पफ के लिए, तो 7 इंच में मार्किंग करके ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 3.5 इंच में, यहाँ पे भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम 3 इंच में मार्क करेंगे और पहले हमें आर्म होल का हाफ में मार्किंग करनी है। 17 इंच का आर्म होल है तो 8.5 में मार्किंग करके आर्म होल पॉइंट से 6 इंच में मार्क कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बढ़ा रहे हैं इससे हम पफ बनाएंगे। आप 7 इंच में भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पफ चाहिए तो उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए मैं 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ही बढ़ा रही हूँ। साइड से हम 1 से 1.25 इंच का स्लीव का एक्स्ट्रा मार्जिन हम मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल की साइड से हम स्लीव्स को ऊपर की साइड को शेप दे देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल के यहाँ पे हमें कट लगा लेना है और उसके बाद साइड में जो लाइन दे रखी है उसमें भी कट लगाएंगे और सेंटर में भी कट का मार्किंग कर लेंगे। हल्का सा हम फ्रंट के आर्म होल को शेप दे देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि पॉप स्लीव में ज़्यादा अंदर को शेप नहीं देंगे तो भी चल जाता है। फ्रंट साइड के स्लीव के लिए हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये हमारे स्लीव्स के दोनों पार्ट हैं, एक में हम नीचे वाले में बॉर्डर को अटैच करेंगे और ऊपर वाला हमारा पफ वाला स्लीव हो गया। तो इन दोनों को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेना है। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। अब मैं इसमें से पहले बॉर्डर को अलग कर दूँगी क्योंकि हमें बॉर्डर को नीचे से अलग से अटैच करना है। अब फैब्रिक में आप देख सकते हैं कि एक साइड को ऊपर की साइड फ्लावर वाला डिज़ाइन जा रहा है, तो हमें उसे उसी हिसाब से कट करना है।
तो मैं दोनों पार्ट को रख के स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर ऊपर साइड को जा रहा है इस तरीके से रख के कटिंग किया है, दोनों स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्लीव्स के अस्तर वाले पार्ट को लेंगे, उसे हमें पूरा ओपन करना है। फिर हमें ऊपर वाले पार्ट को उठा के राइट साइड की तरफ रख देना है और सेम तरीके से उसके ऊपर हमें ब्लाउज के मेन फैब्रिक को रखना है और सीधी साइड हमारी ऊपर साइड में रहनी चाहिए। एक स्लीव को हम साइड रख लेंगे, दूसरे स्लीव में हमें चारों तरफ से इसमें 5 नंबर का स्टिच लगा लेना है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब दूसरा स्लीव लेंगे, इसे भी हम साइड से 5 नंबर का स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स में पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें 3 से 3.5 इंच का कपड़ा छोड़ देना है, उसके बाद हमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं छोटी छोटी प्लेट बना रही हूँ। प्लेट बनाने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर या नीडिल की हेल्प ले सकते हैं, मैं यहाँ पर बड़ी वाली नीडिल से हेल्प ले रही हूँ। प्लेट को हम पहले हाथ से उठाएंगे, फिर नीडिल से आगे की तरफ को उसे पुश करेंगे, तो इसके ऊपर हमें साथ साथ में स्टिच चलाते रहना है। जैसे ही हम हाथ से प्लेट उठाएंगे और फिर नीडिल से हम उसे सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी एक साइज की प्लेट्स बन जाती हैं। इसी तरीके से हम पूरी स्लीव्स में प्लेट्स डाल लेंगे। अब हम स्लीव्स को पलट लेंगे और नीचे वाली साइड में भी हमें प्लेट्स को डाल लेना है। तो इस साइड में अगर हम प्लेट्स डालते हैं तो यहाँ पर और इजी हो जाता है, नीडिल से आराम से हम अंदर की साइड कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे हमें प्लेट्स को डालना है और स्टिच लगा लेना है। ऊपर वाली साइड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम इस साइड से हम डालते हैं, सामने की साइड को प्लेट आती है तो ईजिली डल जाता है। तो एक साइड में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है, एक साइड में आराम से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पफ रेडी कर लिया है, एक स्लीव हमारा देखिए रेडी हो गया है। अब सेम तरीके से मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी। अब हम स्लीव्स के साथ में नीचे बॉर्डर को अटैच करेंगे, लेकिन बॉर्डर के अंदर से हमें पाइपिंग को अटैच करना है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ज्वाइंट नहीं दिखेगा, पाइपिंग डालेंगे तो एक अलग ही गेटअप आ जाता है। नीचे की साइड से हमें अस्तर को रखना है, उसके बीच में हमें स्लीव्स को रखना है, फिर हमें पाइपिंग को रख के उसके ऊपर बॉर्डर को रखना है। तो यहाँ पर हमें सिंगल दाब लेना है, सिंगल दाब से पाइपिंग के एकदम किनारे में स्टिच आता है तो एकदम टाइट से पाइपिंग बैठ जाती है। तो ये बैक साइड में हमारा अस्तर हो गया और यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कवरिंग हो जाती है। पाइपिंग का फैब्रिक भी अंदर की साइड हो जाता है और स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी अंदर की साइड कवर हो जाता है। इससे स्लीव्स में भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है, क्योंकि थ्रेड्स वगैरह बाहर की साइड निकलते नहीं हैं। अब हम स्लीव्स को ले लेंगे। अब इसके नीचे वाली साइड में बॉटम में हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। बैक साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके दाब सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने पफ स्लीव रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पफ नहीं चाहिए था कस्टमर को, तो उनके हिसाब से मैंने परफेक्ट बनाया हुआ है। अब मैं इसे आपको ब्लाउज में अटैच करना बताऊंगी, किस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। ब्लाउज मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है, उसके शोल्डर भी अटैच करके रखे हैं। अब एक साइड से हम स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। लगाने के टाइम पे ध्यान देना है कि हमें स्लीव्स को खींचना नहीं है और ब्लाउज के पार्ट को भी हमें आर्म होल को खींचना नहीं है, आराम से रखना है और एक साइड से हमें लगाते हुए आना है। इसी तरीके से हम स्लीव्स को ब्लाउज के दूसरे साइड की तरफ भी अटैच कर लेंगे। अब हम साइड से फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही मार्किंग करके रखी है, तो उसी के ऊपर मैं फिटिंग लगा लूँगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा पॉप स्लीव रेडी हो गया है। अगर इसमें आपको कम करना है तो आप कपड़ा कम ले सकते हैं, अगर ज़्यादा करना है तो थोड़ा पफ के लिए कपड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका पफ बैठा हुआ है, और नीचे का फिटिंग भी देखिए, बॉर्डर के यहाँ पे परफेक्ट तरीके से पूरा फिटिंग आता है, और पाइपिंग की वजह से काफ़ी गेटअप आ रहा है उसमें। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।